हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में सरल रेखाओं की प्रश्नावली 10.2 को हल करेंगे। तो सभी छात्र देखें, प्रश्नावली 10.1, इसमें हमको कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। तो पहला शीर्ष क्या दिया, -4, 5। तो एक्स का मान -4, तो आप यहां देखेंगे -4 कहां पर है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है। और y का मान क्या था, y कोऑर्डिनेट 5 पर है, तो 5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। ये हो गया आपका मान, यहाँ है -4 और 5, क्लियर। दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 7, तो x का मान 0 और y का मान 7, 7 कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट हो गया, क्लियर। तो इसका मान है 0, 7। तीसरा क्वाड्रेंट दिया हुआ है 5, -5, तो 5 और -5 यहां पर आएगा, क्लियर। और चौथा क्वाड्रेंट दिया है -4 और -2, तो -4, -2 कहां रहेगा, यहां पर रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। तो आप स्केल रख करके इसको मिलाया और इसको मिलाया, यह मिलाया, ये कौन सा कोऑर्डिनेट आपका -4, -2, और यह कोऑर्डिनेट कौन सा है 5, -5, और इसको मिला दिया, क्लियर। तो जी आपका चतुर्भुज बन गया। तो यह चतुर्भुज हो जाएगा आपका ABCD, ये चतुर्भुज हो गया, क्लियर। हम क्या करेंगे, इसके दो क्वाड्रेंट, दो वेक्टर को मिला दिया इसको, तो आपको दो ट्रायंगल मिल गए आपको। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इसके साथ जोड़ेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा आपको, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्लियर। तो इसके मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा सूत्र यूज करेंगे, ये वाला सूत्र यूज करेंगे, कौन सा, इस सूत्र का उपयोग करेंगे क्षेत्रफल के लिए। तो आप यहां पर ये कोऑर्डिनेट्स के मान है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ABD के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, इसमें x1, y1, y2, y3 ये मान रख देंगे। और दूसरा इस त्रिभुज के लिए, दूसरे त्रिभुज के लिए भी इस सूत्र का लगा के, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उनका जोड़ने पर हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसको सभी छात्र पूरा कर लें, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यह फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको ये सूत्र यूज करना है। और इसमें हमको दो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, कौन कौन से, ABD और BCD, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करिए और दोनों को जोड़ दीजिए, हमको क्या मिल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसको पूरा हल कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2a भुजा के एक समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदेश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। तो हम यहां पर यह मूल बिंदु है, यह मूल बिंदु है, यह x अक्ष है और यह x डैश अक्ष है, यह y डैश अक्ष है और यह y अक्ष है। तो इस संभव त्रिभुज की भुजा क्या है, 2a है, तो यह आधा हिस्सा a होगा और यह a होगा, ठीक है। इसको नाम दे दो ABC, और इस चूंकि दोनों संभव त्रिभुज की दोनों तीनों भुजाएं 2a के बराबर है, इसकी लंबाई भी 2a होगी और इसकी लंबाई भी 2a होगी, ठीक है। तो हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे,
में से, तो हम देखते हैं इसमें कर्ण, कर्ण कितना है ए सी स्क्वायर इक्वल ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर दिया है आपका 2a, इसका होल स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर। तो आपको इसकी ऊंचाई याद करना है, इसको h मान लेते हैं, तो यहाँ h स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर है ए स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका a इंटू रूट थ्री। क्लियर? तो हाइट आपकी कितनी है? तो त्रिभुज के हमको शीर्ष ज्ञात करना है, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहां पर आप देखिए 0 a रूट थ्री। क्लियर? और b के शीर्ष से क्या हो जाएंगे यहां पर माइनस ए 0, और सी के सीज क्या हो जाएंगे ए 0। तो यहां देखिए आप लिख देंगे आंसर क्या हो गया आपका, ए के सी से है 0 a रूट 3, बी के सी से है माइनस ए 0, और सी के सी से है ए 0। ठीक है, ये तीनों सीज हो गए। हमें यहां पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यदि पी क्यू वाई अक्ष के समानांतर है। तो हम यहां देखते हैं कि यदि हमने दो केस है, पहला केस कि अगर ये एक्स ग्राफ लिया, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, तो पी क्यू जो है वाई अक्ष के समानांतर है, ये समानांतर रेखा हो गई। यह कौन सी रेखा है? पी क्यू। P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? x1 y1 और x2 y2। क्लियर? तो हम यहां देखते हैं कि PQ का के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स की लंबाई कितनी है y1 और इसकी लंबाई कितनी है y2। तो इस केस में PQ का मान कितना हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। क्लियर? एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। और सेकंड केस में देखते हैं कि यदि PQ x अक्ष के समानांतर है तो कैसा केस बनेगा? x अक्ष के समानांतर है यानी मान लो PQ ये है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इनका x अक्ष के समानांतर है, तो PQ का मान हो जाएगा मॉड x1 माइनस x2। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब हमको क्वेश्चन नंबर फोर्थ में x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर जो बिंदु होगा उसके बाद तो मान लेते हैं, माना x अक्ष पर एक बिंदु, तो x अक्ष पर जो बिंदु होगा उसके y कोऑर्डिनेट 0 होंगे, तो वो बिंदु क्या मान लेते हैं x0, ये मान लेते हैं 7 6 और 3 4 से समान दूरी पर है। तो इसका नाम दे दिया हमने ए बिंदु दे दिया, इसका नाम बी दे दिया और इसका नाम सी दे दिया। तो समान दूरी पर मतलब इसका मतलब ए बी इक्वल ए सी। तो ए बी की दूरी निकालो आप, कैसे निकालोगे?
सेवन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये ए बी की दूरी आ गई। और ए सी कितना होगा, थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस जीरो का होल स्क्वायर, क्लियर। तो रूट हटा देंगे दोनों तरफ से, तो सेवन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स, ये कितना हो गया, थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिक्सटीन। तो ये हो गया आपका सेवन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस सेवन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल थर्टी सिक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल ट्वेंटी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस एक्स माइनस सेवन प्लस एक्स, और दूसरा रहेगा थ्री माइनस एक्स प्लस सेवन माइनस एक्स इक्वल ट्वेंटी। तो इस केस में एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यह वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस फोर, और यहां पर आपका आ जाएगा टेन माइनस टू एक्स इक्वल ट्वेंटी। तो यहां देखेंगे टेन माइनस टू एक्स इक्वल ट्वेंटी में माइनस फोर से डिवाइड कर दिया, तो यहां आ जाएगा माइनस फाइव। तो टू एक्स इक्वल टू टेन प्लस फाइव इक्वल टू फिफ्टीन, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका फिफ्टीन अपॉन टू सेवन पॉइंट फाइव, क्लियर। तो एक्स अक्ष पर आंसर बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर सेवन पॉइंट फाइव और वाई कोऑर्डिनेट जीरो, ये आंसर हो गया इसका, क्लियर, ठीक है। अब इसी तरह से आपको सभी बच्चे एक्सरसाइज के और भी जो क्वेश्चन दिए इनको आप करके देखेंगे। ओके, थैंक यू।